हजारों करोड़ों की डील की बात, उनके बेटे के वीडियो वायरल हुए हैं। टिकट बहुतों को दे रहे लेकिन कोई तैयार नहीं भैया, जानते हैं हार निश्चित है, इसकी हार निश्चित हो लड़ेगा कैसे। जो व्यक्ति एक विधानसभा में चुनाव न जीत सकता हो तो ग्वालियर संसदीय सीट पे 8 विधानसभाएं आती है, क्योंकि यहाँ के युवा इस प्रकार से जो बेरोजगार नौकरी के लिए भटक रहे हैं। कांग्रेस अपना चुनाव पूरी दम से लड़ेगी। लोकसभा चुनाव 2024 का आगाज हो चुका है, अब ऐसे में जो सियासी पारा है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। हम ग्वालियर में सियासी मुद्दों पर बात करेंगे कि इस बार का लोकसभा चुनाव किन मुद्दों पर लड़ा जाएगा और किस तरह का माहौल ग्वालियर के लोगों में है। कुछ लोग हमारे साथ शहर के मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे कि किस तरह का माहौल ग्वालियर की जनता के बीच है। सर आप बताइए किस तरह के विकास के मुद्दे रहेंगे इस बार के लोकसभा चुनाव में। देखिए अगर हम जहाँ से हम बात कर रहे हैं शहर की बात करें तो शहर जितना राजनीतिक रूप से व्यक्तिगत नेताओं के लिए विकास का केंद्र रहा उतना ही लोगों के लिए यहाँ विकास शून्य रहा है। जहाँ के लोग उतने ही परेशान हुए हैं जितने नेता डेवलप हुए हैं। यहाँ के एक नेता केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जो कि दो बार सांसद रहे, कृषि मंत्री रहे, देश भर के किसानों ने उनके खिलाफ आंदोलन किया। ग्वालियर के किसान इसी चौराहे पर जहाँ से हम बात कर रहे हैं उनके खिलाफ और 3 कृषि कानूनों के खिलाफ जहाँ से आंदोलन कर रहे थे वो जो है भ्रष्टाचार के बड़े केंद्र के रूप में उभरे हैं। हजारों करोड़ों की डील की बात, उनके बेटे के वीडियो वायरल हुए हैं और वो ये यहाँ मुद्दा होने वाला है कि ग्वालियर के नेताओं का तो विकास हो गया, उनकी जेबें भर गई, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ उन्होंने लगा ली, लेकिन यहाँ के जो लोग रोजगार के लिए तरस रहे हैं, बेरोजगारी का शिकार हैं, यहाँ के लोग गरीबी का शिकार हैं, यहाँ के लोग जो है यहाँ के लोग स्वास्थ्य उन्हें सही नहीं मिल रहा है, शिक्षा उन्हें सही नहीं मिल रही है, यहाँ की किसानी बर्बाद होने की कगार पर है। तो ये मुद्दे जहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ की रोडों पर जो धूल उड़ती हुई नज़र आती है, तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ क्या ये केंद्रीय मंत्रियों की शान है, क्या क्या जहाँ से निर्वाचित होने वाले विधायकों सांसदों की शान है? तो ये धूल जो है मुद्दा होने वाला है कि शहर में उड़ती हुई धूल इस शहर के गरीबों की वंचितों के स्वास्थ्य की हवा खराब कर रही है, स्वास्थ्य खराब कर रही है। तो ये ऐसे मुद्दे जहाँ के इस बार होने वाले हैं और जिस तरीके से केंद्र की सरकार केंद्र के मुद्दों पर भाजपा सरकार हो चाहे कांग्रेस विपक्ष के तौर पर हो जो अपने केंद्र के मुद्दों पर बड़े मुद्दों पर जहाँ चुनाव लड़ने आएंगे तो उनसे सबसे पहले यही जवाब मांगा जाएगा कि जहाँ के जो लोकल मुद्दे हैं उनको आप संसद में उठा पाओगे या नहीं उठा पाओगे। जो निर्वाचित होकर जाएगा, जो व्यक्ति यहाँ चुनाव लड़ रहा होगा वो अगर हमारी आवाज़ उठा पाएगा हम उसी व्यक्ति को चुन के यहाँ से भेजने का काम करेंगे। विधानसभा चुनाव की तर्ज पर लोकसभा चुनाव भी बीजेपी लड़ रही है क्योंकि कैंडिडेट के जो नाम है पहले ही 4 सीटों पर तय कर दिए गए। ऐसे में कांग्रेस को कहाँ देखते हैं आप, किस तरह का नुकसान रहेगा कांग्रेस? कांग्रेस को अभी तो फिलहाल मेरे को शून्य है बिल्कुल, क्योंकि अभी टिकट ही फाइनल नहीं किया कर पाए हैं। बहुत समय हो गया बीजेपी कैंडिडेट को टिकट मिले हुए और कांग्रेस ने अभी तक टिकट फाइनल नहीं कर पाया क्योंकि उनको डर है कि भाई मैं किसको उतारूँ हारने के लिए, जिम्मेदारी आखिर लेगा कौन? कांग्रेस से मांगेंगे चंदा तो बोलेंगे हमारे अकाउंट सील है भाई साहब। लेकिन अब इस ऐसी कंडीशन में चुनाव लड़ने के लिए कोई कांग्रेस का लीडर जो है वो तैयार ही नहीं है। टिकट बहुतों को दे रहे लेकिन कोई तैयार नहीं भैया, क्योंकि जानते हैं हार निश्चित है, इसकी हार निश्चित हो वो लड़ेगा कैसे? आप बताएं मुझे, मुद्दे इनके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ आए केवल लोगों को भटकाने के, भ्रम फैलाने के कि ये हो गया वो वीडियो वायरल हो गया। अरे भैया तो उसकी जाँच चल रही है ना यार, जाँच चल रही है भैया, जो होगा सामने आ जाएगा। लेकिन भ्रमित करने वाले मुद्दे लोग उठाते हैं जो वास्तविकता जो ग्वालियर का विकास है। आप पीछे घुमाएंगे ना क्या, मुझे देखिए लाल बत्ती दिख रही है पीछे, लाल बत्ती देखिए, ये लाल बत्ती ग्वालियर में 14 साल पहले कभी किसी ने देखी थी भैया, 10 साल पहले की देखी थी। यहाँ लोग रुकता भी है, गाड़ी लाल बत्ती यहाँ रुकती हैं, नियम फॉलो करती हैं। यहाँ धूल की बात करते पीछे कच्चा मैदान पड़ा भैया, धूल धूल यहाँ पे, आप कच्चे मैदान में खड़ो धूल की बात करेंगे तो मैदान में धूल उड़ेगी भैया। रोड पर जाकर देखिए ना धूल कहाँ है, रोड पर जाकर देखिए धूल कहाँ है भैया, आप जाके देखिए तो कम से कम। आप शहर में घूमेंगे नहीं, कच्चे मैदान में बाइट देंगे तो धूल तो उड़ेगी भैया। कांग्रेस तो हिंदुत्व के अगेंस्ट बात कर रही है। कांग्रेस एक वो पंचर टायर है जो बिना हवा के भी दौड़ने का काम कर रहा है, पता नहीं कि वो दौड़ने की वजह से अपनी स्टेपनी में कहाँ बैठेगा। वो इस कंडीशन में कांग्रेस जी रही है कि सारे चोर पार्टी को इकट्ठा करके सोच रही है कि मोदी को हरा देगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है भैया, क्योंकि देश की 140 करोड़ जनता मोदी जी के साथ है, उनके विचारों के साथ है, उनके विकास के साथ है। राहुल गांधी की अभी नया यात्रा आई थी, किस तरह से न्याय देखते हैं आप राहुल गांधी की यात्रा को देकर, जनता कैसे उनकी बात का विश्वास करेगी? ये जो न्याय यात्रा है, इस न्याय यात्रा में यदि जिस तरह का न्याय मध्य प्रदेश की जनता चाहती है और देश की जनता चाहती है
पिछड़े वर्ग का, दलित का, आदिवासी के साथ जो देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था में पिछले 70-75 सालों में जो हुआ है और पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ विशेष करके जो 52% आरक्षण, 52% मतलब आबादी है लेकिन उसमें 27% आरक्षण होना चाहिए था पर मध्य प्रदेश में वो नहीं मिल पाया पिछले लगभग 18 सालों से। और यहाँ पे जो पिछड़े वर्ग के लिए मतलब आरक्षण की बात 14% में जो दे रहे हैं अभी यहाँ पर, और जातिगत जनगणना का जो मुख्य मुद्दा है, जातिगत जनगणना में यदि जिस तरह से पिछले विधानसभा चुनाव में भी राहुल जी ने बोला था कि जातिगत जनगणना का मुद्दा हमारा मुख्य बात रहेगी, तो वो जातिगत जनगणना की बात करते हैं। प्लस लोकसभा चुनाव में यदि जो पिछड़े वर्ग को उसके जनसंख्या के अनुपात में यदि टिकट दिए जाते हैं, प्रतिनिधित्व दिया जाता है, तो ज़रूर पार्टी का लोग साथ देंगे। पर यहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं ग्वालियर संसदीय सीट पर, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अभी रिसेंट ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा से चुनाव हार करके आए हैं। और जो व्यक्ति एक विधानसभा में चुनाव न जीत सकता हो, तो ग्वालियर संसदीय सीट पे 8 विधानसभाएं आती हैं, तो जो व्यक्ति एक सीट पर ही हार गया हो तो उसको आप कैसे दमदार प्रत्याशी कह सकते हैं। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात है कि कल के दिन जो उन्होंने अपना एक बयान दिया, उस बयान में उन्होंने होली को राष्ट्रीय पर्व बताया, जबकि राष्ट्रीय पर्व के बारे में उनको ज्ञान नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय पर्व हमारे सिर्फ 3 हैं, 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर। और उन्होंने जो बात कही है वो उनके सामान्य ज्ञान, जो आदमी का सामान्य ज्ञान होता है, एक 5वें क्लास के विद्यार्थी से भी यदि हम बात करेंगे तो शायद वो आपको बता देगा कि देश में राष्ट्रीय पर्व जो है, राष्ट्रीय त्यौहार कौन से हैं। पर हमारे मंत्री जी को, वो मंत्री रह चुके हैं, पूर्व में मंत्री रह चुके हैं, मंत्री रहने के बाद, मध्य प्रदेश शासन में मंत्री होने के बाद, वो व्यक्ति को इतना ज्ञान नहीं है कि वो राष्ट्रीय पर्व क्या है, राष्ट्रीय त्यौहार क्या है। और इसके बाद वो व्यक्ति आज भारत की सर्वोच्च पंचायत में बैठने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए जा रहा है, और उसे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लोगों ने किस तरह से चुना, किस आधार पर चुना, क्या मापदंड है उनके, मेरे को बड़ा ताज्जुब होता है। उन्होंने इसके साथ साथ होली को एक उपयोगी पर्व भी बताया, लेकिन ये होली की उपयोगिता मेरी समझ में नहीं आई कि ये भारतीय जनता पार्टी केवल त्योहारों को और धर्म को उपयोगी मान करके उसका उपयोग करना चाहती है, शायद ये उनकी विचारधारा झलकती है। भारतीय जनता पार्टी लगातार विकास की बात कर रही है, तो क्या लगता है इस बार का जो मुद्दा रहेगा जनता के बीच, आप वोट करेंगे 7 तारीख को, तो किस तरह से मूड में रहेगा, विकास का मुद्दा रहेगा या हिंदुत्व का, किस तरह से? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा यहाँ के रोजगार पर, यहाँ के जितने भी फैक्ट्रियाँ थी बंद थी, सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा, क्योंकि यहाँ के युवा जिस प्रकार से जो बेरोजगार नौकरी के लिए भटक रहे हैं, ये सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा बेरोजगार का, क्योंकि रोजगार यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे बच्चे युवा हमारे पलायन करते जा रहे हैं, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और जहाँ तक की बात है जिस प्रकार से हिंदुत्व की बात कह रहे हैं, देखिए उनके मन मुद्दी में सब आ चुका है कि हिंदुत्व का मुद्दा, जब उनका एक मंत्री, एक सांसद जब वो संविधान को बदलने वाली बात को कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देखिए जब वो हिंदुत्व की बात कहेंगे तो सबसे पहले संविधान को बदलने की बात होगी, क्योंकि जब संविधान स्थापित होगा, जब हिंदुत्व का, हिंदू राष्ट्र बनाने की कल्पना करेंगे तो संविधान को बदलने का काम करेंगे ये लोग, तो ये निश्चित है। तो मनुस्मृति लागू होगी, तो मनुस्मृति में तो सबको बराबर का कोई दायित्व ही नहीं है, तो ये स्पष्ट है कि वो उस जो उनका मकसद है वो पूरी तरह से वो नाकाम रहेगा, क्योंकि यहाँ के लोग, यहाँ के चंबल के लोग सब अमन और शांति वाले लोग हैं और बराबर हिस्सेदारी उसके लिए लड़ रहे हैं और आज भी लड़ेंगे। सामाजिक न्याय सबसे बड़ा मुद्दा है, यहाँ के किसानों का मुद्दा है, जो लगातार जिस प्रकार से यहाँ पर खाद लेने में इतनी घूसखोरी हो रही है, वहाँ ब्लैकमेल की तरह से वहाँ पर खाद को लिया जा रहा है, वहाँ के उपकरणों को इस प्रकार से GST लगा के उन पर दुगनी दामों में बेचा जा रहा है, ये सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर रहेगा। लोकसभा गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया खड़े हुए हैं, क्या लगता है इस बार का चुनाव कैसा रहेगा ज्योतिरादित्य? देखिए, मेहनत करने वाले को मुकाम और सब कम करने वाले को फल जरूर धीरे धीरे मिलता है। कांग्रेस अपना चुनाव पूरी दम से लड़ेगी और कांग्रेस का एक कार्यकर्ता और चुनाव पूरी ताकत से लड़ेगा। थोड़ा सब्र रखिए,
जल्दी ही नाम घोषित होंगे और चुनाव पहले की तरह पूरी दमदारी से लड़ेगा और चुनाव विभिन्न मुद्दों पर लड़ा जाएगा। पशुओं की सेवा हो, महिलाओं का मुद्दा हो, रोजगार का मुद्दा हो, कई सारे मुद्दों पर चुनाव कांग्रेस पूरे दम से लड़ेगी। तो ये थी ग्वालियर की जनता, इन्होंने बताया कि किस तरह से वो इस बार जो वोटिंग करेगी लोकसभा चुनाव में किन किन मुद्दों को लेकर करेगी। अब हालांकि ये नतीजे जब आएंगे तब पता पड़ेगा कि ग्वालियर से बीजेपी जीतती है या कांग्रेस जीतती है। हालांकि अभी फिलहाल जनता मूड बनाकर बैठी है कि वो किसे वोट करेगी। ग्वालियर से धर्मेंद्र शर्मा, TV9 डिजिटल, मध्य प्रदेश।